इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह डिस्टेंस एजुकेशन की आड़ में लोगों को भोपाल की भोज यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट दिया करता था। इस मामले की जांच पड़ताल के लिए भोपाल से सीआईडी की एक टीम भी इंदौर आई हुई है। तस्वीरों में नजर आ रहा है ये शख्स भूपेंद्र मोदी, मुख्य रूप से डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन का काम करता था, लेकिन इसकी आड़ में वो फर्जी मार्कशीट का गोरख धंधा भी चलाता था। पुलिस को काफी समय से इस बारे में सूचना थी। नवंबर के पहले सप्ताह में भोपाल पुलिस ने उसके यहाँ छापा भी मारा था, लेकिन उस वक्त पुलिस को सुराग हाथ नहीं लगे। इस बीच क्राइम ब्रांच इंदौर ने ग्राहक बनकर नकली मार्कशीट का ऑफर दिया और उसे धर दबोचा। क्राइम ब्रांच की टीम जो वहाँ पहुंची थी और उस व्यक्ति से पूछताछ करके उसके पास से जो मार्कशीटें मिली थी वो फर्जी मार्कशीट की फोटो कॉपीज मिली हम लोग को, और फिर पूछताछ पे जो है उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ उसका जो है कनेक्शन है। क्राइम ब्रांच ने भूपेंद्र के फ्लैट से 70-80 मार्कशीट जब्त की। इनमें 10 मार्कशीट नकली होने का पता चला है। आरोपी जीके इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के नाम से स्टूडेंट्स से विभिन्न यूनिवर्सिटी की मार्कशीट रुपए लेकर असली बताकर देता था। पुलिस को उसके लैपटॉप से कई चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। अब जब लैपटॉप खुलेगा और जब लीगल भी सीज करने के बाद जब उसे पंजनामा बनाकर जो लीगल प्रोसीजर थ्रू उसको देखते हैं और क्या क्या डाटा आता है क्या नहीं आता, कब उसकी पॉइंटिंग की गई है, क्योंकि नॉर्मली इस बार के लोग जो है करते हैं इस बार की हरकत करते हैं कि फॉर्मेट कर देने करना, इस पर अभी हम श्योर अबाउट इट कि कोई फॉर्मेटिंग हुई नहीं, जब लैपटॉप देखेंगे उसके बाद की बात निकलेगी। भूपेंद्र ने बताया उसने ये मार्कशीट भोपाल की संगीता शर्मा से बनवाई है। उधर भोपाल पुलिस को भी ऐसे ही मामले की जानकारी मिली थी, उसमें भी संगीता का नाम सामने आया है। भूपेंद्र के फ्लैट पर संगीता के खाते में 20-25-30 हजार रुपए जमा कराए जाने की रसीदें भी मिली हैं। इसी जानकारी के लिए भोपाल सीआईडी की टीम भी इंदौर आई है। समय के लिए इंदौर से मनोज खांडेकर।